हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आई दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं अपना एक्सरसाइज जो अपनी 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ है उससे बेस्ड है। देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। क्या गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, कि एन की किस वैल्यू के लिए आर द नाइन nth term of two APs this and this equal, कि हमें बताना है कि what value of n, कि n के क्या value लें कि जो हमें ये दो AP दी है उनकी value क्या आ जाए, equal आ जाए, किस value पे equal होगी वो। ठीक है, एक बार हिंदी में और देख लेते हैं क्या कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां ये और ये के n में पद बराबर होंगे, कि हमें बताना है कि किस वैल्यू के लिए जो n की वैल्यू है वो इक्वल होगी। अब हमें दोस्तों बात की जाए दो APs की, तो हमें क्या दी गई है। फर्स्ट AP की बात करूं मैं तो वो हमें दी गई है ये, क्लियर है यही है ना। अगर मैं सेकंड AP की बात करूं मैं तो AP मेरी सेकंड क्या दी गई है, वो दी गई है जी ये। ठीक है, और हमें ये दो एपी दी गई है, हमें बताना है कि क्या वैल्यू ले एन की जिससे ये दोनों की वैल्यू एन पे इक्वल हो जाए, वैल्यू सेम आए, कि इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रही है, कि एक ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसे नंबर पे आएगी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, वो बताना जी किस पे होगी। ठीक है, यहां से अगर बात की जाए इसके अंदर से दो एपी है तो मैं A1 नाम दूंगा उसको, तो क्या हो गया 63। अगर मैं बात करूं D1 के डिफरेंस 165 माइनस के 63 इज इक्वल टू 2 आ गया ना। ठीक है, अब n हमें क्या करना है, बताना भी किस पे होगी, है ना। अब इसमें यही दो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से दोस्तों अगर मैं बात की जाए an की, an मेरा क्या होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू d। अब इसको A1 और D1 ले लेते हैं जी, ठीक है, और AN की और N की वैल्यू तो क्या होगी, इक्वल होगी N की वैल्यू। तो A कितना है दोस्तों अपना 63, N हमें निकालना है -1 है, और D की वैल्यू कितनी है 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 की N से की 2N, 2 की 1 से की -2। अब ये माइनस का 2 है उस साइड जाके, प्लस का सॉरी एम सॉरी ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस दोस्तों कितना बचेगा 63 में से 2 माइनस किए 61 प्लस के 2n, वैल्यू किसकी आई है an की, इस AP से ये आ गई। अब इस AP से भी निकालते हैं जी क्या, यहाँ पे बात की जाए A2, ठीक है 3 हो गया। अब D2 की बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा 10 माइनस के 3 इज इक्वल टू में 7 हो गया। अब मेरा an का वही फॉर्मूला दोस्तों क्या, A2 लूंगा मैं इसमें n माइनस 1 इंटू में D2। अब यहां से an मेरा कितना जाएगा, A2 कितना है 3, n माइनस 1 है और D2 कितना है जी 7। वही काम करते हैं इसमें 3 प्लस के 7 की n से की 7n, 7 की 1 से 7, तो an इज इक्वल टू प्लस का 3 माइनस का 7, तो कितना बचेगा दोस्तों, प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस है, तो 7 में से 3 जाए कितना बचा 4, साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े रंग किस चीज़ की है माइनस की है। अब कंपेयर करते हैं an की वैल्यू ये भी है और an की वैल्यू ये भी है, ठीक है। अब क्या हेयर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता नहीं ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, किस वैल्यू पे n की, तो इन दोनों को रख देते हैं जी इक्वल, 61 प्लस के 2n इज इक्वल टू रख देंगे 7n माइनस के 4 को। अब n वालों कर लेते हैं एक साइड और जो कांस्टेंट टर्म है उनका कर लेते हैं एक साइड, जैसे माइनस का 4 था उस साइड जाके प्लस का 4 हो गया, माइनस के 2n था सॉरी प्लस का 2n था इस साइड आकर माइनस में, इन दोनों को ऐड किया 65, इन दोनों को माइनस किया 5n, यहाँ से n कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 13। यानी जब 13th टर्म आएगी इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी।
क्लियर है, यहाँ खत्म हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है कि डिटरमाइन द एपी, एपी बताओ, ओके जी, हुज थर्ड टर्म इज 16, ओके जी, एंड सेवंथ टर्म एक्सटेंड द फिफ्थ बाय 12, और सेवंथ टर्म क्या है, फिफ्थ से 12 ज़्यादा है, और एपी बतानी है जी हमें। ठीक है जी, बता देंगे, हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्या गिवन है कि वह एपी याद कीजिए जिसका और सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है। ओके जी, क्या कुछ दिया हुआ है हमें कि एपी याद करनी है इसका तीसरा पद, हमें तीसरा पद यानी A3 यानी A प्लस के 2D कितना दिया गया है जी हमें, हमें दिया गया है 16, यही बात है। सेकंड चीज क्या, सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, कि जो सातवां पद है ना सेवंथ, और जब माइनस करेंगे A5 से वो कितना आता है 12 है। ठीक है, और हमें एपी बतानी है, ये दो चीज दी गई है, वही बात है। A7 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जी A प्लस के 6D, माइनस करना है 5 को लिख सकते हैं जी A प्लस के 4D इज इक्वल टू 12। क्लियर है, अब क्या A प्लस के 6D माइनस वाला अंदर कर दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस के 4D इज इक्वल टू 12, A से A कैंसल, 6D में से 4D गए, कितना बचा जी 2D इज इक्वल टू 12, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके डिवाइड में 6, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई जी 6। अब हमें एपी बनाने के लिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू भी चाहिए, वो आएगी जी हमारी यहाँ से कि हमें A3 यानी A प्लस के 2D गिवन है जी 16, डी की वैल्यू जो आई है वो रख देते हैं जी इसके अंदर। ठीक है, 6 2 जा कितने हो गए 12, और ये 12 उस साइड जाके माइनस में, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 4 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, क्या बनानी है एपी। एपी क्या होती है जी, फर्स्ट टर्म तो हमारी कितनी आ गई 4, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमें क्या चाहिए A2, A2 क्या होता है जी A प्लस के D, यही बात है। A कितनी है जी 4, D कितना है जी 6, कितनी आ गई 10। अब क्या चाहिए A3, A3 क्या होता है A2 में जी D ऐड कर दो, कि जो ये आई है ना उसमें डिफरेंस ऐड कर दीजिए, यानी 10 प्लस के 6 यानी 16। एक और निकाल लेते हैं A4 क्या, A3 जो आया है उसमें D ऐड करना है, यानी 16 में 6 ऐड करना है, यानी कितना आ जाएगा मेरा 22। तो AP क्या बनी दोस्तों, पहला 4 10 6 22, ये क्या बन गई AP, और यही बनानी थी दोस्तों। इस वीडियो में हमने किए दो क्वेश्चन 15 एंड 16, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे। डाउट रहा है अभी कोई बात नहीं, क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डाउट पूछिए, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।